डब्बे जैसे परेठा बनाने के लिए देखिए कितने काफी अच्छे से फूल रहा है परेठा हमारा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। सुबह बज रहा है 7:30, तो नहा धो लिए जैसे देख रहे हैं, पूजा पाठ सब कुछ हमारा हो गया है, तो हम चल रहे हैं नाश्ता बनाने के लिए अपने किचन में। आज तो आज बच्चे जैसे देख रहे हैं संडे है, एक दिन बाद हमारा वीडियो पड़ता है, तो सब बच्चे घर पर हैं, हम सोचे लाइए गोभी का परेठा बनाए। गोभी का परेठा गर्म गर्म बहुत काफी टेस्ट लगता है चाय के साथ में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बच्चे देख रहे हैं यहाँ पे चाट मसाला को जो है ये टॉफी समझ की बहुत ज्यादा उसके चाटती है लेकर, कहती है बहुत काफी अच्छा लगता है। तो चलिए पहले बनाना स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो को। हम ये नहीं सोचते हैं कि आप उनसे बातें करें, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, हम सोचते छोटा वीडियो रहता था देखते हैं अच्छे से। तो देखिए हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहनी मेरे लिए काला चाय भी बना के यहाँ रख दी है। तो हमारे घर में सुबह टाइम सब लोग काले चाय पीते हैं। यहाँ पे देखिए गोभी को हमने अच्छे से इस तरह से धोकर इसको काट लिया है। और गोभी को जैसे पहले से आपको धोना है, तुरंत आप धोएंगे तो पानी रहता है इसमें गोभी में, और इसको 5 मिनट पहले हम धोकर इस तरह से छत्ते काट कर रख लिए। इसमें एक भी कीटाणु नहीं है, अच्छे से हम इसको देख लिए हैं, सफ़ेद करके रख लिया है। उसके बाद इसमें यहाँ पे लहसुन लिया है, हरी मिर्ची है, धनिया पत्ता है, यहाँ पे अजवाइन है। तो अजवाइन से इसे देखते हैं पेट के लिए बहुत फायदा रहता है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्का सा गरम मसाला डालेंगे। तो सबसे पहले तावे की ओर बढ़ रहे हैं। आज हम एक नए तरीके से बनाएंगे इसको, जैसे देखते हैं कच्चे बनाने उतना टेस्टी परेठा नहीं लगता है, इसको आज भून के बनाएंगे। इसको देखिए सबसे पहले हम इस तरह से चट ले रहे हैं गोभी को, तो इसको जैसे रहता है एक बार हम गोभी को लेंगे, डंठल को नहीं लेंगे, इसको हम सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो गोभी को देखिए बिल्कुल बारीक में हम चट ले रहे हैं। देखिए इस तरह से चट लिए हैं, तो इसी तरह से सारे गोभी को हम चट ले रहे हैं पहले, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। चट लिए हैं तो इसको बाद हम क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे इसको भूनना नहीं चाहते हैं तो इसको पहले कोई कपड़े में रख कर इस तरह से इनके पानी अच्छे से गार कर निकाल लीजिए, जो भी इसमें पानी निकलता है निकाल लीजिए आप। और उसके बाद इसमें क्या करिए, आप अजवाइन डाल दीजिए, उसके बाद मिर्ची को डाल दीजिए, धनिया पत्ती डालिए, उसके बाद स्वाद के अनुसार से नमक डालिए, उसके बाद अमचूर पाउडर डालिए, अमचूर पाउडर नहीं हो तो चाट मसाला डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप गरम मसाला डालेंगे, हींग डालेंगे। तो हम आज भून के बनाने वाले हैं, चलिए भून के बनाते हैं। बहुत आसान तरीका है भून के बनाने के। तो हमारे वीडियो में देख सकते हैं आप लोग गोभी का परेठा बहुत सारे बनाए हैं। यहाँ पे डाल दिए करियों को, करियों को पहले गर्म करेंगे अच्छे से। तो जैसे देखते हैं जिस तरह से मूली का परेठा बनता है बिल्कुल उसी तरीके से, जैसे देखते हैं आप लोग गोभी का भी परेठा बनता है सेम उसी तरह से बनता है। गोभी भी इसी तरह से चस के, मूली भी इसी तरह से चस के आप लोग उसका पानी गार के निकाल लीजिए। उसके बाद जो जो मसाला है गोभी के परेठे में पड़ता है वही मसाला सेम मूली के परेठे में पड़ता है। चलिए करिए गर्म हो रहा है, इसमें हम डालेंगे तेल 2 चम्मच। यहाँ पे देख रहे हैं दरवे हम कूट लेंगे इसको अच्छे से। अदरक डालना जरूरी रहता है गोभी के परेठे में, जब भी आप बनाते हैं गोभी का परेठा तो अदरक जरूर डालिए आप। अब अदरक के साथ में हम लहसुन की भी कूट लेंगे खलबट्टे में, तो यहाँ पे थोड़ी सा लहसुन ज्यादा हमारा है। तो जैसे औरा की मुरब्बे में आप लोग कमेंट किए हैं कि औरा छोटा हमारे पास है तो कैसे मुरब्बा बन जाएगा, तो औरा छोटा आपको पता है तो बहुत आसान तरीका है मुरब्बा बनाने का। आधे जैसे देखते हैं आप 1 केजी जैसे देखते हैं 3 केजी आपका औरा है, तो आप जैसे 1 केजी चीनी ले सकते हैं और 1 केजी उसमें गुड़ ले सकते हैं, दोनों को मिक्स करके बनाएंगे तो बिल्कुल कड़साव नहीं लगेगा, औरा का कड़साव निकल जाता है गुड़ के। तो गुड़ जैसे रहता है बहुत फायदेमंद रहता है, सर्दियों में खाना चाहिए, तो आप उसे बना सकते हैं आसान तरीका से, रहेगा कड़साव बिल्कुल नहीं लगेगा और मुरब्बा जो है। यहाँ पे देखिए हम इसमें कूट लिए हैं, अब इसको दबे साइड में, अब तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है तो ज़्यादा इसको हमको भूनना नहीं है बिल्कुल। तो हम इसमें देखिए साथ में डालेंगे जीरा, तो जीरा यहाँ पे रख रहा है, तो जीरे के साथ में हम डालेंगे अदरक लहसुन को, तो कोई भी चीज़ को हमको भूनना नहीं है, हल्का सा इसका कच्चे पर दूर करना हमको। अब यहीं पर मिर्ची डालेंगे, तो मिर्ची हम कूट कर डालेंगे सब अटे में, फिर हम काट के नहीं डालते, कूट के डालते हैं कि बच्चों को डर पीने पड़ जाता है। अब इसका देखिए मिर्ची भी डालिए इसी में, और डालने के बाद में हल्का सा इसको हम भूनेंगे। जब एक ना एक कढ़ी में अभी को भून रहे हैं तो इसका पानी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, इसका पानी जल जाता है जो भी इसमें रहता है थोड़ा सा, इसको हम डाल दे रहे हैं इसी के साथ में। तो गोभी का जैसे हुआ मूली का हुआ परेठा इसी तरह से बना सकते हैं, आसान तरीका बनाना, सारे जैसे देखते हैं एक ही तरीके से बनता है, बस नाम अलग अलग परेठे का रहता है, इसमें जो भी पानी रहेगा निकल जाएगा।
डालेंगे हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला देखिए हमारे पास अमचूर पाउडर नहीं, तो हम चाट मसाला इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। एक डालेंगे आधी चम्मच गरम मसाला, एक डालेंगे बिल्कुल जरा सा देख रहे हैं हल्दी पाउडर डाल रहे हैं यहाँ पे। एक डालेंगे स्वाद के अनुसार से नमक, जैसे थोड़ा सा नरम हो जाएगा गोभी हमारा। अब यही पे डालेंगे हींग, हींग जैसे देखते हैं और जवाइन रहता है पाचन के लिए बहुत काफी अच्छे फायदे रहता है पेट के लिए। एक जवाइन भी डाल रहे हैं, इस सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। भुनने पे ये रहता है कि पानी के बीच में रहेगा तो परेठा बनाते समय वाला नीचे से परेठा फट जाता है, बन नहीं पाता अच्छे से। ये हम देखिए इस तरह से भून दे रहे हैं, फैला दे रहे हैं, इसे इसमें का जो भी पानी रहेगा वो सूख जाएगा। अब यहीं पर डालेंगे धनिया पत्ती हम, तो धनिया पत्ती यहाँ पे खूब सारे हम डाल रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, इसमें धनिया पत्ती की सीजन है। यहाँ पे खूब सारे धनिया पत्ती डाल दिए, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो गोभी का परेठा जैसे देखते हैं जब भी खाना चाहिए, गरम गरम खाना रहता है, चाय के साथ में रहता है, चटनी के साथ में रहता है, बहुत काफी टेस्ट लगता है गरम गरम खाने में, ठंडा हो जाता नहीं अच्छा लगता है उतना। देखिए इस तरह से हम फैला लिए इसको, तो सारी चीज इसमें हम देख लिए, डाल दिए, बहुत आसान तरीका बनाना इसको। अब चलिए इसका डो देखिए कैसे लगाते हैं। पहले अब यहाँ पे देखिए हम डालेंगे आटे में डालेंगे नमक, नमक जैसे देखते हैं कि हम इसमें भी डाले हैं आटे में बिल्कुल हमको डालना है, आधी चम्मच नमक डालना है। यहाँ पे एक के जी हमने आटे लिए हैं, इसमें नमक मिला लिए हैं, और नमक मिलाकर इसको तेल में बिल्कुल भी नहीं डालना है आपको, और इसका आटा बिल्कुल लूज रखना है आपको, जैसे देखते हैं कि रोटी हो पूड़ी हो उससे भी लूज इसको आटा रखना है। आटा आपका टाइट रहता तो ही परेठा फट जाता हमारा। तो चलिए अब इसको आटे को डो लगा ले रहे हैं, मिक्स कर ले रहे हैं आटे को। सारे आटा एक दूसरे में जैसे देखते हैं लग जाता है तो अच्छा रहता है इसको मारने में हाथ से। आप देखिए इसका डो जैसे रहता है बिल्कुल, इसको जैसे लस्सी इसका तोड़ना रहता है, जब इसका लस्सी टूट जाता है तभी परेठा काफी अच्छा बनता है। इस तरह से देखिए इसके लस्सी को इस तरह से हमको तोड़ना है, और इसको हाथ में जैसे देखते हैं कि हम तेल लगा के इसका लस्सी हम तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने एक चम्मच तेल ले लिए हैं, और तेल लेने से अच्छे से इसको मिक्स कर लिए, इसका लस्सी इस तरह से तोड़ देना है। इसमें हम ठंडा कर लिए हैं, इसको प्लेट में पलटी कर ले रहे हैं। तैयार कर रहे हैं, तो डो को हम एक साइड कर रहे हैं। ये हमारा गेहूं का आटा है, आप मैदे में भी बना सकते हैं, आधा मैदा आधा गेहूं का आटा लेकर, बाकी गेहूं का आटा जो रहता है सेहत के लिए हेल्दी रहता है खाने में। देखिए गैस को जला ले रहे हैं, यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कि हमने नरी लिए हैं, कच्ची गड़ी है, तो इसके बाद यहाँ पे तीन मिर्ची लिए हैं, लहसुन लिए हैं, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग धनिया पत्ती है। तो चलिए इसका चटनी बना देते हैं इसके साथ में। परेठा के लिए डो बिल्कुल नरम रहना चाहिए, आपका डो टाइट रहता है तो परेठा फट जाता है हमारा। जैसे देखते हैं हम भी आलू का परेठा बनाते हैं तो डो को टाइट जब कर देते हैं तो फट जाता परेठा, तो डो को कभी टाइट नहीं रखना चाहिए, डो को हमेशा नरम रखना चाहिए। तो चलिए परेठे के लिए हम यहाँ पे गोली ले रहे हैं, तो आटे को लगा लेंगे, आटे को लगा के इसको हम थोड़ी सा बेल लेंगे, बिल्कुल आरी से बेलना है, बीच में नहीं बेलना, बीच में थोड़ा सा मोटा इसको कर देना है। तो एक परेठा आप लोग को बेल के इसी तरह से बना रहे हैं, और बहुत आसान तरीका है इसको। अब इसके बीच में जैसे देख रहे हैं किस तरह से हमने मसाले रख दिए हैं, मसाले रखने के बाद से परेठा को इस तरह से हमने कर लेंगे। तो इसमें इस तरह से जब हम करते हैं तो गैस बन जाता है, तो गैस को धीरे से हमको निकालना है नहीं तो फट जाता है परेठा। तो देखिए इस तरह से हम इसको पहले गोले करेंगे, आ इसको गोले को जैसे देखते हैं इसको तोड़ नहीं जाता है, तो बीच में जैसे कड़ा टाइप में हो जाता है तो परेठा अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल खाने में। अब इसको इस तरह से दबा देंगे, दबाने के बाद से हल्के हल्के हाथ से इसको देखिए इसमें गैस है थोड़ा सा हल्का सा निकल जाता है,
अब बेलन को बिल्कुल हल्के हाथ से चलाना है हमको। तो पर्सन को हमको इस तरह से आटे को लगा देना है, फिर दूसरे बगल इसको पलट लेना है। तो बेलन बिल्कुल हल्के चलाना है हमको, देख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल हल्के बेलन हम चला रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि मेरे परेठा जब भी बनाते हैं गोभी का फट जाता है मेरा, तो बिल्कुल फटेगा नहीं आप लोग का परेठा जो है। आसान तरीका है, इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो बिल्कुल नहीं फट सकता। देखिए कितने अच्छे से परेठा हमारा बन के तैयार हो गया है। तो आप जैसे छोटे बड़े परेठा बनाना चाहते हैं उस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए इसमें हम रख दिए तावे पे परेठे को। अब परेठे को मेरे बाद भी अच्छे से सेकेंगे। आप कोई भी तावे बना सकते हैं, बल्कि जैसे देखते हैं कि तावा हमारा जूठा था तो हम इस तावा को ले लिए हैं। परेठे को हम पलट ले रहे हैं तो मेरे बाद भी अच्छे से परेठा को पकाएंगे हम, और दूसरा भी इस तरह से बना लेंगे। तो सभी परेठा को इसी तरह से बना ले रहे हैं। तो देखिए परेठा को घुमा घुमा के चारों तरफ से पका रहे हैं हम। इस पे घी हो आपके पास, रिफाइंड तेल हो, सरसों का हो, जो भी आपके पास है लगा सकते हैं आप। यहाँ पे देख रहे हैं हम रिफाइंड तेल इसमें लगा रहे हैं। अब इसको हम कर लिए हैं। तो देखिए कितनी आसान तरीके से फूला है हमारा। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फूल रहा है। तो इसी तरह से सारे परेठे को बना के फिर आप लोग से मिलते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत काफी अच्छे से परेठा हमारा फूल रहा है। तो इस तरह से परेठा आप लोग बना सकते हैं। देख रहे हैं कि हमारा परेठा बनके तैयार हो चुका है। देखिए हल्का हल्के हाथ से दबाएंगे तो आपका परेठा बहुत काफी अच्छे से फूल भी जाता है। तब वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।